जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। गृहिणी चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे राधा माँ की कृपा से। 10 मई को अक्षय तृतीया का त्यौहार मनाया जा रहा है, जिसका हम लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और लोगों ने बहुत सी खरीदारी के लिए भी तैयारी कर रखी है। लेकिन इसके साथ साथ में हमें कुछ विशेष उपाय अवश्य करने चाहिए, जो हमको प्रातःकालीन समय में ही कर लेना चाहिए, क्योंकि सारा दिन तो हम अपने खरीदारी और अपने दूसरे कामों में बिजी रहते हैं, लेकिन जो दान पुण्य से संबंधित कार्य होते हैं इनको आप सुबह प्रातःकालीन स्वस्थ मन से और स्वस्थ तन से कर लेना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव हमारे घर परिवार पर बनी रहे। बहुत छोटे से 3 उपाय हैं, इसको आप अवश्य कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर भी कीजिए। पहला उपाय है कि माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए आप अपने घर के दरवाजे के मुख्य द्वार पर रंगोली बनाएं और आम या अशोक के पत्तों का बंदरवार अवश्य अपने घर के पास लगाएं। घर में अवश्य आप एक मिट्टी का घड़ा ला के उसमें माँ लक्ष्मी का नाम लेकर स्वास्तिक बनाएं, फूल और चावल अक्षत उसके अंदर डालकर ठंडा जल डालकर लाल कपड़े से लपेट के किसी भी ज़रूरतमंद वाले व्यक्ति को आप उसको दान कर सकते हैं, भेंट स्वरूप आप उसको दे सकते हैं। इससे माँ की कृपा सदैव आपके घर परिवार पर बनी रहेगी, क्योंकि आपने देखा भी होगा माँ लक्ष्मी हमेशा एक घड़ा लिए रहती हैं, उनके घड़े से हमेशा सोना चांदी हीरे मोती निकलते हैं। तो ये घड़ा हम माँ लक्ष्मी के स्वरूप का ध्यान करते हुए किसी को भेंट स्वरूप दें और ये अपने प्रार्थना करें, माँ आप हमको इसके बदले में धन दौलत मान मर्यादा इज्जत देंगे। आप तीसरा उपाय कर सकते हैं, किसी भी धार्मिक स्थल पर वृक्ष लगवा सकते हैं, क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन वृक्ष लगाना भी बहुत शुभ होते हैं। और वृक्ष आप लगवाइए आम के हैं, पीपल के हैं, बरगद के हैं, गुलहर के हैं, जो ऐसे पवित्र वृक्ष हैं उनको आपको लगाना चाहिए। आप धार्मिक स्थल पे लगा सकते हैं या आपके घर के पास कोई ऐसी खाली जगह हो, पार्क हो या आपके घर के बाहर कोई जगह, वृक्ष लगवाएं। अगर आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी पसंद आए तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इन उपाय को भी आप कीजिए। देखिए आपके जीवन में कैसे माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि बनी रहेगी और जीवन आपका हरा भरा, घर परिवार हरा भरा रहेगा। जय माता दी, जय श्री राधे।